गाइस, इट्स क्रिस्लीन। वेलकम बैक टू सिद्धू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो पे, कुरान किस लिए। किसी आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि आप इस वीडियो पे रिएक्ट करो, सो दैट इज़ व्हाई आई एम हियर रिएक्टिंग ऑन दिस वीडियो। सो लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन इट। ये तो हमारे चैनल है, टू फॉलोअर्स, लेट्स गो। एयरपॉड्स तो लगाए ही नहीं। चले وهو القاهر فوق عباده, और वो छाया हुआ है अपने बंदों के ऊपर, खालिब, यानी चुसक नहीं सकता कोई उसकी मर्जी के बगैर। وهو الحكيم الخبير, और वही हिकमत वाला है और खबर रखने वाला है। قل اي شيء اكبر الشهاده, ऐ नबी इनसे फरमाओ, बताओ सबसे बड़ी शहादत कौन सी हो सकती है। قل الله, तुम फरमाओ अल्लाह की शहादत। शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो गवाह है तुम्हारे और मेरे दरमियान, यानी मुझे किसी और गवाही की जरूरत नहीं है कि मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं, वो देख रहा है, अल्लाह गवाह है कि मैंने अपना पैगाम जो मुझे अल्लाह ने सपोर्ट किया था तुम तक पहुंचा दिया। वा उहिया इलैया हादल कुरान लिउंदिरकुम बिह व मन बलग, और यह भी इनसे कह दो कि अल्लाह ने मुझे कुरान वही इसलिए किया है ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी डर सुनाऊं और जिस तक भी ये किताब पहुंचाए। ये वही आयत जो हमने सैकड़ों दफा यहां पे तलावत की है, सूरतुल अनाम आयत नंबर 19। इसी में मेरा रिसर्च पेपर है, इमामुल अंबिया की दावत कुरान, उसके टाइटल में ये आयत लिखी हुई है, रिसर्च पेपर नंबर 4। तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं। अच्छा, मुझे बताएं, अगर अल्लाह के नबी जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने कुरान के जरिए लोगों को आखिरत का डर सुनाना है, अल्लाह की तरफ मायल करना है, तो इसका मतलब है कि इससे बेस्ट सिलेबस तो कोई नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह से बड़ा टीचर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से बेहतरीन सिलेबस ही कोई नहीं है। तो ये बाबों ने अपनी किताबें लिख के उम्मत को क्यों थमाई हुई है, इनसे जरा पूछें। फजाइल अमाल, फजाने सुन्नत, 14 सितारे, ये पकड़ के क्यों इन्होंने हवाले किए हुए हैं? क्या कुरान में कोई नक्श था? और हुक्म ये हो रहा है कि ऐ नबी, तुमने भी इस कुरान के जरिए तबलीग करनी है और जिस तक भी पहुंच जाए। कुरान पहुंचा, लेकिन आप देख लें क्या खिदमत की इन लोगों ने। 1000 साल से इस्लाम यहां आया हुआ है, किसी ने कुरान का तर्जमा नहीं किया। ये तो पिछले 100-150 साल में तर्जमे हुए। बुखारी का पहला तर्जमा 1920 में हुआ है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले। पहले इनसे पूछे आप क्या करते रहे, यहां की लोकल लैंग्वेज थी फारसी, फिर उर्दू बन गई। कुरान फारसी में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? शाह वलीउल्लाह दिलवी ने पहली दफा किया, 5 साल तक छुपे रहे, लोगों ने फतवे जारी कर दिए, ये कुरान अरबी में था, इसने तहरीफ करके फारसी में कर दिया। क्योंकि वलीउल्लाह दिलवी ने ये यानी ऑब्जर्व किया उन्होंने कि भाई इस कौम का तो कोई हाल नहीं है, कुरान तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना हमारे अबाजदाद ने सीखी, ना इन्होंने सीखनी है, तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना इन्होंने कुरान पर चलना है, तो बेहतर है कुरान को नेटिव लैंग्वेज में कर दिया जाए। जिसने हमने यूट्यूब का मॉड इख्तियार किया है, हमें पता है कि मदरसों में इन्होंने कोई दीन नहीं सिखाना, ना इन्होंने सही बात लोगों को बतानी है, तो फिर हम अल्टीमेटली ये जो एक डिजिटल मॉड हमारे पास मौजूद है, हम लोगों तक बात पहुंचाएं। वो एक देवबंदी ने किताब लिखी है मनाकिब अबी हनीफा, उसके मुकदमे में लिखा है, दौरे हाजर में हदीस की किताबों ने जिंदगीयत का दरवाजा खोल दिया है। पहले हम लोगों को मसला बताते थे, लोग सुन लेते थे, अब जब मसला बताते हैं वो कहते हैं दसों कितने लिखे है, पूछ रहे हैं लोगों ने। शुक्र करो कि पूछ रहे ने। एक वो वक्त आना है, पहले एक तुहानू तरणगे, फिर कहणगे मामा कि तू बयान कीते ही नहीं कीता, दे थे लान कर, ये दिन दूर नहीं जे। अभी तो आपसे ही लादा पूछते ना सर, ये जिस हमारे एक भाई फोन करके कहते हैं मौलो ना ये कहां लिखा हुआ है, कोई आयत है, कोई हदीस है? ये उस दिन तो डर जाओ, तो लोग कन्नू पकड़ के तुहानू लावणगे कि ये कर रहे हो, तुसी कोई चीज लिखी है किधरे। तो इन्होंने बड़ी होशियारी के साथ तर्जुमा नहीं किया, इन्हें पता था काम डल जाना है और डल गया। ये इस्लाम की खिदमत है जी। किसी ने बुखारी का तर्जुमा नहीं किया, बताए ना जी, कोई लाए ना जी, ऐ जी सुल्तान बाहू ने कुरान का तर्जुमा किया, मजा आ गया थोड़ी गल, ठीक है ना जी।
इन्होंने क्यों करने थे मेरे भाई? इन्होंने अपनी शायरियां लिख के आपको हवाले की, अपनी किताबें हवाले की, ताकि आप कुरान और हदीस से दूर रहे। अल्लाह का शुक्र है आज मुबारक दौर है, हमें तजमा करने की जरूरत नहीं। हम लोगों कहते हैं पढ़ो अपने अपने तर्जमे और बताओ जो जो पढ़ता है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसका तर्जमा कोई भी पढ़ ले अपने मकतब फिक्र का, कोई शिया है सुन्नी है, पढ़े और बताए ये क्या तौहीद लिखी हुई है। नबी तुम फरमाओ कि मुझे तो कुरान इसलिए वही हुआ है कि इसके जरिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं, तबलीग इसके जरिए करूं, और जिस तक भी ये पहुंच जाए, मेरी कोशिश है जहां तक पहुंच जाए तो ये पहुंच जाए, यानी वो भी इसी के जरिए आगे तबलीग करे। इन्नकुम लतशहदून अन्न मा अल्लाही आलिहतन उखरा, क्या तुम इस बात के ऊपर गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ कोई और इला भी है? قل لا اشهد, ऐ नबी तुम फरमाओ मैं तो इस तरह की कोई गवाही नहीं देता। قل انما هو اله واحد, ऐ नबी तुम फरमाओ कि वो तो नहीं है मगर अकेला यकता इलाह माबूद। وانني بريء مما تشركون, और मैं ऐलान बरात करता हूं हर उस हस्ती से जिसे तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहरा। मेरे भाई मीठी मीठी बातें तो हो ही नहीं सकती ना, कुरान तो फिर कड़वी बात करता है। कुरान सिर्फ तौहीद बयान नहीं करता, जो तौहीद के मुकाबले पे ताहूत है उसकी नफी भी करता है। यहां से आके हमारा इख्तलाफ शुरू हो जाता है। हमारे वाइजीन सिर्फ तबलीग का एक रुख बयान करते हैं, उसकी वजह से दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आई, अकायद की कोई इसलाह नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव पहलू वो बताते ही नहीं है डर के मारे। जब तक आप नेगेटिव पहलू को हाईलाइट नहीं करेंगे, पॉजिटिव की कदर लोगों के दिलों में नहीं आएगी। अरबी में कहा जाता है ना कि चीजें अपनी जिद से पहचानी जाती हैं। अंधेरा ना हो तो उजाले की कदर नहीं आती, प्यास ना हो ठंडे पानी की कदर नहीं आती। इसी तरीके से जब तक आप बाबों की फैलाई हुई गुमराही को हाईलाइट नहीं करेंगे, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तौहीद में किस लेवल का रखना इस उम्मत में डाल दिया गया। बेसिकली वो बार बार यही रिएट्रेट करते हैं कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज है, जहाँ से इनलाइटनमेंट होगी, वो कुरान ही है। कुरान इज़ दी अल्टीमेट बुक, एंड वही पढ़नी है, उसी को मानना है। बाकी और सोर्सेज हैं लेकिन कुरान से ऊपर कोई भी सोर्स नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो का टाइटल मुझे अब समझ आया, कुरान किस लिए। सो दे आर सो मेनी वीडियोज़, इनकी ऐसी और बहुत वीडियोज़ हैं जिसमें ये वो यही बात रिएट्रेट करते हैं दैट इससे कुरान से ऊपर कुछ भी नहीं है, एंड देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड वी हैव टू कॉल अपॉन दैट गॉड ओनली। व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो, एंड आई वुड लाइक अ मोमेंट टू से कि मैनू वधिया बहुत लगे कि इंजीनियर साहब की जो पंजाबी है बहुत वधिया है। So I really like this Punjabi because I find it very pure and desi, and that is the actual Punjabi we all need to know and speak. So I really appreciate this, and just josh ke saath, just passion ke saath ye bayan karte hain. I'm a huge fan. So guys, this is my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off.